ऐनुल हक जिंदाबाद 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 ट्रैक्टर छाप जिंदाबाद 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 भटिया का विधायक कैसा हो ऐनुल हक जैसा हो भटिया का विधायक कैसा हो ऐनुल हक जैसा हो क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में ऐसे मुलवासी एकदम जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स। चुनावी यात्रा में आज खोजते खोजते हम लोग पहुंचे हैं जदयू हटिया के जदयू प्रत्याशी ऐनुल हक साहब के पास। इनको बहुत खोजने में समय लग गया, एक घंटे से इनको गली मोहल्ले में ढूंढते ढूंढते अब जाकर यहाँ मिले हैं। सुबह से कहाँ निकल गए थे जो इतना देर हम लोग खोजने में लग गया? सुबह जब होता है उसके बाद अपना प्रचार में निकल जाता हूँ। सब नौजवान साथी हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सभी साथ निकल जा रहे हैं। रुझान बनते जा रहा है, रुझान बनते जा रहा है। कैसा आ रहा है मैच खेलने में? मैच समझता हूँ ना कि हाथ को भी और कमल को भी कुचल के हम लोग आगे बढ़ेंगे। मतलब हाथ कुचल देंगे प्लास्टर होगा? बिल्कुल बिल्कुल, हाथ और कमल नहीं फूलेगा, दोनों को कुचलते हुए हम लोग आगे निकल जाएंगे। कंघी कहीं नहीं है, कमल को कुचल देंगे, हाथ को तोड़ देंगे, प्लास्टर कराना पड़ेगा। कचिया हथौड़ा भी ठोकने के लिए तैयार है? मेरा ट्रैक्टर ही काफी है उनके लिए, ट्रैक्टर काफी है, सबको कुचल देंगे। जनता का कैसा विश्वास है, कैसा रुझान मिल रहा है? रुझान बहुत अच्छा, सबसे दुलार प्यार मिल रहा है, बड़े बुजुर्गों से महिला बहने माताएं सभी हमको काफी ये दे रहे हैं सम्मान। अच्छा, सब सम्मान दे रहे हैं, सभी लोग सम्मान दे रहे हैं, माता हो, बहन हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, सबका आशीर्वाद इन्हें मिल रहा है। कैसे कोई रणनीति बनाए इन लोगों के लिए? इनके लिए तो मैं सदा रहता हूँ आगे, और आगे भी आने वाला समय में अगर मैं जीतता हूँ तो लगभग सभी से ज्यादा काम करने का। इनको कुचलने की रणनीति बन गई? जी जी, बीच में हम बराबर रहे हैं, जो जीते हैं, जो विधायक हैं या और भी हैं, वो जनता के बीच में नहीं रहते। हम ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण का बेटा है, यहाँ का बेटा है, हम नेता नहीं है। नेता नहीं, बेटा है। ऐनुल हक का कहना है कि हम गरीब और जनता के बीच रहते, कभी नहीं जाते इधर उधर, इसलिए हम नेता नहीं कहलाते, हम उनका बेटा कहलाते। हासिल करने में कोई कमी कोई नहीं छोड़ेंगे। जनता से अपील की, मैं चाहता हूं कि आप 10 नंबर पे ट्रैक्टर छाप में वोट कीजिए और एक कर्मठ आदमी को जितवाइए जो इस क्षेत्र में काम करे, आम जनता के एक एक घर तक पहुँच जाए, एक एक घर तक पहुंच जाए, एक एक घर तक पहुंच जाए। कम हर आदमी के पास हमारा संदेश हर लोगों को पहुंचे, हर मतदाताओं को पास पहुंचे, और उनको ऐनुल हक के विषय में इनका कहना है कि हमारे कार्यकर्ता जाके बता रहे हैं कि ऐनुल हक समाज से भी हैं, गरीबों के बीच में रहते हैं, सुख दुख में साथ देते हैं, इसलिए ऐनुल हक को मत वोट दें, 10 नंबर पर इन्हें मतदान करें और इन्हें नए विधानसभा में भेजें। आग लग गई विधानसभा में, ये तो पता नहीं उनका मिला जुला है, ठेकेदार भी वैसे ही है, अब पहले जो उसका सचिव थी वो भी ऐसे। एक शब्द आपसे पूछेंगे, आज देश में ऐतिहासिक फैसला हुआ है, हैदराबाद गैंग रेप पे, सुना होगा आपने? अभी नहीं, मैं तो सुना नहीं। चारों आरोपियों को इनकाउंटर में ढेर कर दिया, ना कोर्ट अच्छा, ना जेल में सुरक्षा, इस पे आप क्या कहें? बलात्कार जो भी करे, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी समाज से हो, उन्हें चौराहे पे गोली मार देना, वही किया गया है। इससे आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं।